बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए ENG 301 करंटली पास पेपर्स मिड टर्म प्रिपरेशन 2022 की वीडियो लाई हूँ। अभी रिसेंटली मेरी एक स्टूडेंट का पेपर हुआ है, उसने मेरे साथ शेयर किया और अब मैं यह आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरह का आएगा। आपके पास टोटल 26 क्वेश्चन होते हैं ENG 301 के पेपर में, जिनमें से 18 या 19 आपके MCQs होते हैं। MCQs आपके क्विज 1 या क्विज 2 उनमें से आते हैं और थोड़े से हैंड आउट्स में से आ जाते हैं, मतलब मिक्स आते हैं। और फिर 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होते हैं, 3 मार्क्स का भी 2 होते हैं, कभी 1 आ जाते हैं, कभी 2 आ जाते हैं 3 मार्क्स के, और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन कंपोजिंग। इसका आंसर आपको पेज नंबर 57 पे मिल जाएगा। इस बात का लाजमी ख्याल रखिएगा कि अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया तो आप बीच में 2 या 3 लाइंस की ही एक्सप्लेनेशन दें, ज़्यादा ना दें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में है तो पॉइंट टू पॉइंट आपसे पूछा जाता है। इससे ये खतरा भी है कि आपके नंबर डिटेक्ट हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मेंट बाय डाउनवर्ड इन कम्युनिकेशन। इसका आंसर आपको पेज नंबर 8 पे मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनको आपने कम्प्लेक्स वर्ड्स में कन्वर्ट करना था, चेंज करना था। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं अभी तक आपके 3-4 पेपर्स में देख चुकी हूँ इसी क्वेश्चन को। नोइंग अबाउट मैनर्स ऑफ होस्ट कंट्रीज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्कस। पेज नंबर 47 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने सिर्फ उस बच्ची से, स्टूडेंट से जस्ट ये आपका क्वेश्चन पेपर ही नहीं लिया, मैंने इनको खुद भी रीड किया, फिर इनके आंसर भी ढूंढे हैंड आउट्स के बीच में से। रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई इन कम्युनिकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेज नंबर 9 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस स्पेस एज इंडिविजुअल कल्चर। तो पेज नंबर 43 या 45 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एंड लास्ट में ट्रू फॉल्स फ्रॉम कंप्रीहेंशन, मींस के मैं देखें, मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी कि आप जस्ट हैंडआउट्स को देखें, किसी भी वीडियो लेक्चर्स को या नोट्स को देखने से बेहतर है कि आप जस्ट हैंडआउट्स को एक बार रीड आउट कर लें। इधर से ये आपके MCQs, ट्रू फॉल्स और ये छोटी छोटी डेफिनेशंस निकल आएंगी। मींस के कंप्लीट पेपर आपका हैंडआउट से ही हो जाएगा, उसके अलावा क्विज 1 या और क्विज 2 की फाइल्स को एक बार देख लीजिएगा। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।